हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि आने वाले कुछ ही दिनों में सिनेमा कॉन होने वाला है। ये सिनेमा कॉन इवेंट 23 अप्रैल से 27 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें बहुत सारे स्टूडियोस आकर अपनी मूवीज को अनाउंस करेंगे। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में हम स्पेशली बात करने वाले हैं सोनी के पैनल के बारे में, क्योंकि भाई सोनी का पैनल ही सबसे इंपॉर्टेंट पैनल होने वाला है। बाकी इसके अलावा 25 तारीख को वॉर्नर ब्रदर्स का भी पैनल है और 27 तारीख को शायद वॉल्ट डिज्नी का भी पैनल है, लेकिन भाई उसमें कुछ ज्यादा आप लोगों को नहीं मिलने वाला। लेकिन यार 24 अप्रैल की रात, जो कि हमारे इंडिया में 25 अप्रैल की सुबह होगी, उसमें बहुत कुछ अनाउंस हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, पिछले एक साल से ही हम लोग ये वेट कर रहे हैं कि सोनी अपने आने वाले स्पाइडरमैन यूनिवर्सेस की मूवीज को कब अनाउंस करेगा। जैसे कि यार हम लोगों को मालूम है कि क्रेवन द हंटर आने वाली है, मैडम वेब आने वाली है, वेनम 3 आने वाली है, लेकिन भाई इनकी रिलीज डेट कब दोगे, इनका टीजर ट्रेलर कब दोगे, तो भाई सिनेमा कौन में दोगे। तो दोस्तों, ऐसे कुछ डिटेल्स बाहर निकल कर आए हैं जिसमें बताया गया है कि सोनी अपने पैनल के अंदर क्या क्या अनाउंस करने वाला है। तो आओ एक एक करके उन पे नजर डाल लेते हैं। तो पहली मूवी होगी क्रेवन द हंटर, जिसकी न्यूज भाई पता नहीं कब से आ रही है, कब से ये मूवी बन रही है और कितनी बार इसको डिले भी कर दिया गया है, लेकिन अब फाइनली ऐसी न्यूज आ रही है कि इसकी कन्फर्म्ड रिलीज डेट सोनी अनाउंस कर देगा। अब ये मूवी इसी साल आएगी या फिर अगले साल, इसकी तो कोई कन्फर्मेशन मेरे पास नहीं है, लेकिन इस सिनेमा कॉन में इसकी रिलीज डेट को तो अनाउंस जरूर कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद अगली मूवी होगी टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 4। देखो दोस्तों, कुछ वक्त पहले केविन फाइगी ने बताया था कि उन्होंने स्पाइडरमैन 4 की स्टोरी को कंप्लीट कर लिया है, एंड मैं ऐसा एज्यूम कर सकता हूँ कि इसका प्री प्रोडक्शन भी शुरू हो चुका होगा। तो भाई जब मूवी पे काम शुरू हो चुका है, तो इसकी रिलीज डेट और इसका एक टाइटल तो हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल ही सकता है, और होपफुली 2025 तक हमें टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 4 भी देखने को मिल सकती है। वैसे यार मैंने टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन 4 के ऊपर एक फैन फिक्शन स्टोरी भी बनाई है, अपने हिसाब से लिखी थी, तो उसको भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो, उसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो यार एक बार देखना जरूर। तो अब अगली मूवी है वेनम 3, जो कि ऑलरेडी प्री प्रोडक्शन में है और इसकी शूटिंग भी स्टार्ट होने वाली है। तो दोस्तों, इसलिए इसकी रिलीज डेट और टाइटल हमें इस सिनेमा कॉन में देखने को जरूर मिलेगा। फिर उसके बाद अगली मूवी होगी मैडम वेब, जिसकी शूटिंग खत्म हो चुकी है, मूवी पोस्ट प्रोडक्शन में है और इसलिए उसका एक टीजर ट्रेलर हमें इस सिनेमा कॉन में देखने को जरूर मिल सकता है। फिर दोस्तों, इसके बाद आती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मूवी, जो की होगी दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 3। देखो यार, सोनी आंटी ने तो कभी नहीं कहा कि वो दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 जैसी मूवी को बनाने वाली है, लेकिन यार जरा खुद से सोचो, जिस एक्टर की हाइप है, जिस एक्टर की मूवी को हर कोई देखना चाहता है, सोनी आंटी ये भी जानती है कि अगर वो अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 बनाएगी तो वो 1.5 से 2 बिलियन आराम से कमा सकती है। तो भाई क्यों नहीं बनाएगी वो, क्यों नहीं बनाएगी। और अगर इस सिनेमा कॉन इवेंट में अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 को अनाउंस कर दिया गया, तो भाई फिर हाइप जो होगी ना पिक्चर की, वो अनबिलीवेबल होगी, उसका कोई भी मैच नहीं होगा। अब देखो, ऐसा होगा या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि समथिंग अनएक्सपेक्टेड हम लोगों को यहाँ पे देखने को जरूर मिल सकता है। सोनी आंटी हम लोगों को सरप्राइज जरूर कर सकती है। क्या पता इस सिनेमा कॉन इवेंट में एंड्रू गारफील्ड भी आ जाए और बोले, यार ये लो द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 देखो हरामियों। तो खैर दोस्तों, इसके अलावा भी एल मोराटो है, स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स का कुछ नया फुटेज देखने को मिल सकता है, एक सिल्क नाम की पिक्चर का भी जिक्र हो रहा है, जो कि अगेन स्पाइडरमैन यूनिवर्स से ही बिलोंग करती है, तो भाई उसकी भी अनाउंसमेंट हो सकती है। वैसे यार देखा जाए तो अनाउंसमेंट करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन उतना ज्यादा सोनी वाले थोड़ी ना करेंगे, क्योंकि इसके बाद भी बहुत सारे इवेंट्स होने वाले हैं, तो धीरे धीरे खुद को एक्सप्लोर करेंगे वो लोग। लेकिन अगर हम यहाँ पे कंफर्म न्यूज की बात करें, तो क्रेवन द हंटर का रिलीज डेट, मैडम वेब का एक छोटा सा टीजर, स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स का एक नया फुटेज, और इसके अलावा द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 और टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन 4 के ऊपर भी कुछ ना कुछ डिटेल्स बाहर जरूर आएंगी। तो यार इसलिए 25 अप्रैल को सुबह 6 बजे तैयार रहना, जैसे ही कुछ न्यूज आएगी मैं आप सबको वीडियो बनाकर बता दूंगा। लेकिन यार फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।